पुलिस लाइन स्थित पुलिस मेज के सभागार में गोरखपुर रेंज के पुलिसकर्मियों को रिटायरमेंट प्लानिंग के विषय पर जागरूक किया गया। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में 18 पुलिस रेंज में रिटायरमेंट प्लानिंग विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसके क्रम में शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए एवोक इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं संस्थापक प्रवीण कुमार द्विवेदी ने कहा कि आज के बदलते परिवेश में समाज के सभी वर्गों, विशेष सेवानिवृत्तियों की दहलीज पर खड़े नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता के लिए वित्तीय साक्षरता प्रबंधन की जानकारी अपने आर्थिक जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए अति आवश्यक है। निवेश के साधन तथा उनसे संबंधित सावधानियों में ज्ञान का अभाव हमारी पूंजी को खतरे में डाल सकता है तथा सभी नागरिकों को मुख्यतः जांच परख के पश्चात ही निवेश करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि रिटायरमेंट के बाद ही आवश्यकताएँ, चुनौतियों एवं जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय मामलों जैसे बचत, निवेश, टैक्स प्लानिंग इत्यादि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और करके आप आगे का जीवन सही तरह से चला सकें, तो ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में, इस कार्यशाला में कहीं पर भी किसी स्कीम को या कोई प्रोडक्ट का बेचने का कोई ये कार्यशाला नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है उसमें आपको बहुत कोई तकनीकी ज्ञान नहीं दिया जाएगा, बहुत साधारण सी बात है जिनको आप समझ सकें और जिनको आप, अब आपके पास थोड़ा समय भी मिलने वाला है। अभी तक तो जब हम सेवा काल में होते हैं तो सबसे बड़ा तो मुद्दा ये होता है कि आप सोने का समय नहीं है और आप इस ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो अब जब समय मिलने वाला है तो धन का नियोजन कैसे करें हम, उस पर भी ध्यान। अभी तक ध्यान इस पर होता है, अभी तक के सबका ही होता है, हमारा आपका ध्यान इस पर होता है कैसे और धन आए, कैसे और धन की प्राप्ति हो। लेकिन जो आ गया है उसके बारे में ज्यादातर मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो पाता। लेकिन अब जनरल इस बात की है कि आपको जो अगले 20-25 सालों में 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको जो पैसे मिलेंगे उनसे ही अपना जीवन यापन करना है, तो कैसे उसको मैनेज किया जाए, सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या योजनाएं, अन्य योजनाएं हैं जिनमें आपको कुछ पैसा मासिक मिल सकता है, तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे और क्या सावधानियां आप रखें जिससे पैसा आपका सुरक्षित ही रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब आप 60 की उम्र के दहलीज पर होते हैं तो आपको आज की स्थिति का आकलन करना है कि आज आप किस अवस्था में हैं और क्या आप 60 के बाद आर्थिक रूप से आजाद महसूस करेंगे अपने को। क्योंकि जब तक हम सेवा काल में होते हैं तो हम अपने ड्यूटी पर जा रहे हैं, हम तो हमारी आजादी पूरी तरह नहीं होती है। आर्थिक आजादी का अर्थ ये होता है कि जिस जो भी काम आप चाहें, जब चाहें, जो आपको अच्छा लगता है वो कर सके बिना पैसे की चिंता के। पैसा आपका कारण ना हो कि हम रिटायरमेंट के बाद भी हम कहीं काम करना पड़े। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन यापन या हमारा जो खर्चे हैं नहीं चल पा रहे हैं तो वो फिर से आर्थिक बंधन में आप बन गए। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि कैसे हम आर्थिक रूप से आजाद हो सके। 20-25 साल की उम्र तक तो हम लोग माता पिता के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं और सब लिख रहे हैं, नौकरी लगी तो नौकरी फिर में लग गए, फिर बच्चों का, बीवी का, घर का, तो जिम्मेदारियां निभाते निभाते 60 साल कैसे बीत जाते हैं ये मालूम नहीं पड़ता। अब 60 के बाद का जो आयु है वास्तव में वो 60 के बाद की आयु ही हमारा स्वर्ण काल है जो हम अपने लिए जीते हैं। अगर हमने सही योजना बनाई है तो 60 के बाद की उम्र जो है वो स्वर्णिम काल है, वो अपने तरीके से हम जी सकते हैं। किसी का आदेश नहीं, किसी का वो नहीं, अगर हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है तो उसके लिए आपको थोड़ा जो सबसे जरूरी काम है वो है पैसे का सही प्रबंधन। क्योंकि आज हम लोगों के पुरुषार्थ में भी धर्म के बाद नंबर 2 पे अर्थ ही आता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष अगर आप देखें तो अगर अर्थ रही है तो सब बेकार है। तो पैसे को कैसे आप मैनेज करें, पैसा कैसे आपके पास, आपका पैसा कैसे आपके लिए काम करें। अभी तक क्या हो रहा था, आप पैसे के लिए काम कर रहे थे, अब जो चुनौती है वो है
कि कैसे पैसा आपके लिए काम करे, आप आराम करें और पैसा काम करे। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाते हैं, देखिए दो चीजें हैं। सेवानिवृत्ति के समय हमें सबसे प्रथम बात ये होती है कि मानसिक रूप से क्या हमारी तैयारी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मानसिक रूप से क्या हम तैयार हैं। आज हमने 35-40 वर्षों तक एक ओहदे पे हमारे उन्नति हुई, हमारा वेतन बढ़ा और हम एक ओहदे के पद पे रहे। उसके बाद अचानक से एक दिन हम सामान्य नागरिक की तरह जीवन यापन करने लगे, तो मानसिक रूप से क्या तैयार है उसको फेस करने के लिए, तो वो तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी। अपने आत्मबल से, अपने अध्यात्म बल से जो भी आपने उसका सेशन पूरा अलग है, वो आपको जरूर करते ही होंगे। वो बहुत बड़ी चैलेंज होता है।